हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएपटी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीचिंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतिम खाते का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था अंतिम खाते में बेसिकली क्या क्या लिखे जाते हैं, कौन कौन से नियम को आपको ध्यान में रखना है। अब वो आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको फिर से सारे नियम फिर से बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिए। इससे पहले हमने क्वेश्चन वन और टू को पढ़ा था, आज हम क्वेश्चन थ्री से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बनाना होता है व्यापार एवं लाभ हानि खाता दोनों एक साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है व्यापार खाते में उन मदों को लिखा जाता है जो माल को विक्रय करने से पहले, मतलब आप सेल कर रहे हैं उससे पहले के जितने भी खर्च होते हैं वो सब आपको व्यापार में लिखना होता है, जिसको आप ट्रेडिंग बोलते हैं, ट्रेड। और लाभ हानि खाता को प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। यहाँ पर विक्रय के बाद के जो खर्चे होते हैं, बीमा, वेतन, कमीशन, ये सब यहाँ लिखे जाते हैं, ठीक है। संपत्ति पर ह्रास, कोई भी चीज़ की हानि, ये इसमें लिखा जाता है। इनके साथ साथ इन प्रश्नों में हमें संयोजन मिलता है, उन संयोजन के आधार पर हम इस खाते को पूरी तरह से कंप्लीट बनाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न में आपको यहाँ पर मिलेगा स्कंध है, अंतिम स्कंध 8000 रुपये का, बीमा व्यय में 300 रुपये, व्यापार के स्वामी कि निजी जीवन बीमा पॉलिसी किस्त के सम्मिलित हैं। अब देखिए प्रश्न किसी व्यक्ति का जो बीमा है उसका व्यापार के बीमा में शामिल हो चुका है, मतलब इसको आपको घटा देना है, निकाल देना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, बहुत सिंपल है, बस रीजन ध्यान से पढ़ो। अब देखो मैं व्यापार का खाता बना रहा हूँ, क्या इसमें मैं किसी अन्य चीज़ों को शामिल करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा, तो मैं उसको घटा दूँगा, इसलिए यह माइनस होगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2001 को क्या पता चला, एक यंत्र 2000 रुपये में उधार क्रय किया था जिसका लेखन नहीं हुआ है। इसका मतलब इसका लेखा करना है, क्योंकि देखिए आपने भले नहीं लिखा है पर जिससे उधार लिया है वो आपसे पैसे लेने जरूर आएगा, इसलिए इसको जोड़ना है। किस में जोड़ना है? यंत्र की राशि में, ठीक है। इसको वैसे हम दो जगह जोड़ सकते हैं, पहला तो यंत्र की राशि में जोड़ सकते हैं, दूसरा लेनदार में। आपके पास जितने भी लेनदार होंगे उसमें से 2000 के लेनदार आपके और बढ़ गए तो इसको दो जगह लिखेंगे, एक तो लेनदार में, दूसरा आपका यंत्र, यंत्र जितने का भी होगा उसमें 2000 का यंत्र आपको और जोड़ देना है, ठीक है। अगला है पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी दिया है प्रश्न में, पूंजी पर 5% हम निकाल देंगे और यंत्रों पर 10% ह्रास काटना है, ठीक है। तो एक्चुअल में अब यंत्र देखिए, जो पुराना यंत्र है उस पर तो 10% निकालेंगे, लेकिन ये वाला जो 2000 का यंत्र है इसको अभी अक्टूबर में खरीदा है, तो आप काउंट करें अक्टूबर से दिसंबर तक का, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हुए, ठीक है। तो 3/12 लिखेंगे और 10% इसलिए 10/100 लिखेंगे और 2000 रुपये लिखेंगे गुणा में, ठीक है। 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, 3 × 3 3×12, ठीक है। अब 4×1 4×5 4×0 50 रुपये निकला, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे, अच्छा 1 मिनट ना, दिसंबर तक अब तब गिनते हैं जब दिसंबर क्लोजिंग होता है, अगर इसमें मार्च में हो रहा होगा तो फिर आपको मार्च लेना है, हाँ। तो प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है मार्च, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक है बच्चों। कहाँ लिखा है ये आपको बता दूँ, प्रश्न के टॉप में लिखा है 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो ऐसे कंडीशन में फिर जो आपको ये कार्यविधि जो मैं बता रहा था उसमें आपको मार्च तक का काउंट करना है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 महीने हुए। कितने महीने हुए? 6, इसलिए 6/12 लिखेंगे, दर 10% है तो 10/100 लिखेंगे, यंत्र की राशि है 2000 रुपये जब खरीदा, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में खरीदा तो उसका उपयोग सिर्फ 6 महीने हुआ है, तो उस पर जो ह्रास लगेगा वो सिर्फ 6 महीने का लगेगा। तो हमने 10 से 10 काटा, 10 से 10 काटा, 6×6 = 12, 200 का आधा 100 रुपये होता है, ठीक है। अब ये सब आपको भी लाभ हानि में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न में, तो हमारे प्रश्न में हम क्या क्या लिख सकते हैं आपके व्यापार खाते में। सबसे पहले तो देखिए व्यापार खाते में कुछ मुख्य चीज़ें लिखी जाएंगी, जैसे कि आपका प्रारंभिक स्कंध सबसे टॉप में लिखा जाता है, नीचे क्रय, क्रय में आप वापसी घटाते हैं, समाकलन पक्ष में आपको विक्रय लिखना होता है, उसमें भी विक्रय वापसी घटता है। इसके बाद इसमें जो मजदूरी वगैरह हैं हम इनको लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या मजदूरी हैं। वेट, इस तरफ देखते हैं क्या क्या है। उसके अलावा आपके पास मजदूरी लिखना होता है जिसको आप वेजेस बोलते हैं, और फिर कुछ नहीं है, ठीक है।
तो जो हमने अभी टिक किया था बस उन्हीं को हम व्यापार खाते में लिखेंगे। तो ये है आपका 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ऐसा आपको हेडिंग लिखना रहता है। हिंदी में आप व्यापार एवं लाभ हानि खाते के साथ लिखेंगे। विवरण राशि, विवरण राशि मतलब पार्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका प्रारूप होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होता है विकलन साइड में, इसको डेबिट पक्ष बोलते हैं, विकलन साइड, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रारंभिक स्कंध लिखना है, जिसको आप ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, 4000 रुपये। नीचे जस्ट आपको क्रय लिखना है और उसमें से वापसी घटाना है, वापसी नहीं है तो फिर 12 का 12 रहेगा। इसके बाद आपको विक्रय लिखना है, जिसको आप सेल्स कहते हैं, उसमें से रिटर्न माइनस होना है और नहीं है तो आप फिर टोटल यही 17000 का 17 लिखेंगे। इसके बाद मजदूरी आप 3000 रुपये लिखेंगे। अंतिम स्कंध को यहाँ लिखना है और अंतिम स्कंध आपको नीचे में मिलता है पूरे प्रश्न में, चिट्ठे के नीचे संयोजन में, ठीक है, चिट्ठे नहीं तलपट के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हमने विक्रय को लिखा, अंतिम स्कंध को लिखा, प्रारंभिक स्कंध को लिखा और क्रय लिखी, उसमें मजदूरी भी लिखा। इतना कुछ लिखने के बाद इनको जोड़ेंगे, ये होगा आपका 25000 रुपये। 25 में हम इन तीनों अमाउंट को काटेंगे तो फिर 6000 रुपये बचेगा, इसको हम बोलते हैं सकल लाभ। इसी सकल लाभ को, यहीं से आपका ये व्यापार खाता ख़त्म। अब इसी सकल लाभ को हमेशा आप इस तरह अप्लाएंगे लाभ हानि खाता के शुरुआत में, अगर इधर हानि हुआ है तो वो पहले इधर आएगा, ठीक है। तो सकल लाभ या सकल हानि पहले लिखी जाती है लाभ हानि खाता में, क्योंकि लाभ हुआ है 6000 का, तो हमने 6000 रुपये का लाभ लिखा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सकल लाभ लिखने के बाद आपको ऊपर आप देखिए प्रश्न में, आपके पास प्रश्न होगा तो दिया था कमीशन समाकलन में, तो कभी भी तलपट में कमीशन अगर समाकलन में दिया हो इसका मतलब वो प्राप्त है, लाभ है, प्राप्तियां हैं, फिर चाहे वो कमीशन हो, चाहे किराया हो, चाहे कुछ भी हो, हर वो चीज़ जो समाकलन में दिया है वो लाभ होता है, तो आपको इसको लाभ साइड में लिखना है। तो इस तरह से दो चीज़ें लाभ में लिखी गई हैं। इस तरफ हम क्या लिखेंगे, बीमा 1300 रुपये जो पुराना है, जिसमें से एक बीमा 300 रुपये ऐसा शामिल था जो किसी के निजी बीमा किस्त था, तो इसको हमने घटा दिया। घटाने के बाद एक्चुअल में फिर बीमा की राशि कितनी लिखी जाएगी, 1000 रुपये, जो आपको मैंने पहले ऊपर बताया था। वेतन जैसे का तैसा पूरा लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, ठीक है, विनियोग, इसको आप लिख देंगे, डुगत ऋण शोध ऋण ये भी लिख देंगे। पूंजी पर ब्याज आपको निकालना पड़ेगा, तो 30000 की पूंजी है, जिस पर 5% निकालेंगे तो 5 × 3 = 15 होता है, 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 0 बस बचेगा, 1500 रुपये ये निकला इस तरह से, ठीक है। भवन पर ह्रास निकालेंगे तो 8000 के भवन का ह्रास 10% जब आप निकालेंगे तो वो सिर्फ 1 0 से 1 0 कटने के बाद 800 होगा, और अभी नया 2000 का मैंने वही बताया था ना, 2000 × 6/12 × 10/100, तो उसका 100 रुपये निकला था, दोनों को जोड़ करके ही ये 900 आया है। और आपको अलग अलग ऐसे मेंशन करना है आपको भी, ताकि समझ में आए, चेक करने वाले को भी समझ में आए, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करना है। अब जितना आपका क्रेडिट पक्ष है उतना ही आपका डेबिट पक्ष है, तो दोनों पक्ष अगर बराबर होते हैं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट पक्ष एकदम बराबर होते हैं तो ये फिर नील कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये नील कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब कुछ भी नहीं बचा जोड़ने घटाने के लिए, तो हमारा लाभ हानि पक्ष एकदम क्लियर है, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, मतलब एकदम आप बराबर में हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चिट्ठा। चिट्ठे में हमें क्या करना होता है, चिट्ठे में हमें सारी संपत्ति को संपत्ति तरफ, सारे दायित्व को दायित्व तरफ लिखना होता है। तो हमारा पहला है पूंजी। पूंजी में आप पूंजी पर ब्याज को जोड़ेंगे, इस तरह से आपकी पूंजी और बढ़ जाती है, 31500 रुपये की हो गई। इसमें शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है, चूंकि नहीं है तो ये फिर खाली रहेगा। इसमें से फिर आहरण आपको घटाना होता है, इसको आप ड्राविंग बोलते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करना है, ड्राविंग आपको घटाना है, घटाने के बाद जो बचा वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। पर उससे पहले यहाँ पर बीमा इंश्योरेंस का जो पर्सनल शामिल था उसको हमने घटाया था, वो यहाँ भी घट जाएगा, ठीक है। तो व्यापार के पूंजी में अगर कोई अन्य चीज़ों का खर्चा शामिल है तो आप उसको घटा देते हैं। तो एक्चुअल में जब आप पूंजी की एक्चुअल राशि लिखना होता है तो ये सारी चीज़ें जो जुड़ते घटते हैं उनको प्रॉपर घटाने के बाद जो आएगा उसको लिखना है। तो इंश्योरेंस की जो निजी थी उसको भी घटाने के बाद आपका बचा 30200 रुपये, ठीक है। अब लेनदार आपके पास पहले 8000 के हैं पुराने चिट्ठे में, ठीक है, तलपट में आप देखेंगे वहाँ 8000 है, जहाँ पर नया आपको पता चला संयोजन में कि 2000 के और एक यंत्र था जिसका पैसा नहीं दिया, तो कुल मिला के लेनदार आपके 10000 के होंगे। ये बात भी मैंने आपको पहले ही ऊपर में बता दिया था। प्राप्ति पत्र जितना है उतना लिख दिए, लोन का जस्ट का 10 और ये अपना बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक का 10 दोनों लिख दिए हैं। फर्नीचर एज इट इज़ है और कैश इन हैंड वो भी एज इट इज़ है। मशीन देखो भाई 8000 का था लेकिन 2000 के यंत्र और खरीदे गए, तो इस तरह से ये यहाँ भी जुड़ गया। तो मैंने बताया था यंत्र में भी जुड़ेगा और लेनदार में भी जुड़ेगा, तो दोनों में जुड़ गया, देखिए मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, 10000 हुआ।
और फिर ये 10 में 900 गया, 9100 रुपये बचा, ठीक है। और हमारा भवन एज इट इज़ है, ठीक है। और अंतिम स्कंद भी यहाँ लिखना होता है, तो अंतिम स्कंद को दो बार लिखा जाता है, एक तो व्यापार खाते में, एक तो आपके चिट्ठे में, बैलेंस शीट में, ठीक है। अब देखिए, आपने एक प्रश्न देखा, हो सकता है आपको इस एक प्रश्न में कुछ डाउट हो, लेकिन आप धीरज रखिए और वीडियो में बने रहिए। देखिए, जैसे कि आपने व्यापार में अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद क्रय विक्रय को लिखा, उसी तरह से अगले प्रश्न में भी सेम लिखा जाएगा, लाभ हानि भी सेम लिखा जाएगा, चिट्ठे में भी सेम लिखा जाएगा, तो आपको धीरे धीरे प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको पहला बार में पहला प्रश्न नहीं समझ में आया तो भागना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारे पास श्री कमलेश की निम्नलिखित परीक्षा सूची में 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का अंतिम खाते तैयार कीजिए। तो सूची है ये, जहाँ पर प्रारंभिक स्कंद व्यापार में लिखा जाता है, क्रय को व्यापार में लिखा जाता है, और मजदूरी को लिखा जाता है, विक्रय और विक्रय वापसी को, ठीक है। इतने चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अंतिम स्कंद भी लिखना होता है, जो कि नीचे दिया होता है हमेशा यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं अंतिम स्कंद यहाँ लिखा हुआ है। वेतन और मजदूरी के अदत हैं और विनियोग के 300 रुपये ब्याज अर्जित हैं, ठीक है। देनदारों पर छूट का निर्माण करना है, और पहले से प्रश्न में डूबत ऋण भी है 200 रुपये का, यहाँ पर अशुद्ध ऋण है 400 रुपये का, ठीक है। इनके साथ क्या क्या होता है जब डबल डबल दें, तो ये चौथा प्रश्न आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, और ये जो पहले से डूबत ऋण दिया है इसको क्या करेंगे, फिर अलग से प्रश्न में भी निकालना है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न, जो कि है व्यापार एवं लाभान्वित खाता, जहां पर आपको प्रारंभिक स्कंद फिर से लिखना है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये, क्रय आपका उसके बाद लिखा जाता है, तो आपका परचेस है 24,000 रुपये, उसमें से रिटर्न घटा देंगे, परचेस रिटर्न क्रय वापसी, तो आपका एक्चुअल अमाउंट आएगा 23,000 रुपये। इधर आप सेल्स लिखेंगे, सेल्स में आप घटा देंगे सेल्स रिटर्न, तो फिर आपका 39,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट। यहाँ पर मजदूरी 200 की है, लेकिन उस मजदूरी में अदत था, अदत को आप आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, क्योंकि अदत का मतलब देना बाकी, और व्यापार के अंतिम खाते में जो खर्च भुगतान करना है उसको हम जोड़ते हैं कि इसको देना है बोल के, तो कुल मिलाकर आपका ये कितना हुआ, 300 रुपये हुआ, ठीक है बच्चों। अब अंतिम स्कंद को यहाँ लिखने के बाद, 10,000 रुपये के अंतिम स्कंद को लिखने के बाद ये टोटल हो गया 49,000। 49,000 में अगर आप 10, 23 और 300 को घटाते हैं तो 15,700 रुपये बचेगा। इसको हम कहते हैं सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आपको लाभ हानि के शुरुआत में लिखना है, समाकलन पक्ष में इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पर बाकी चीज़ों की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल से समझते हैं। सकल लाभ लिख लिए, ठीक है। ब्याज के अर्जित हैं, मतलब आपको ब्याज मिलना है, वो जो मिलने वाला है वो आपका लाभ होता है, तो आपको लाभ साइड में दिखाना है। जैसे जो देना है उसको आप घटाते हैं, वैसे जो मिलना है उसको आप जोड़ते हैं। उसी तरह से कमीशन आपको मिलना है, आप ये भी जोड़ देंगे, मिल चुका है। रेंट भी आपको मिल चुका है, क्योंकि ये सब कहाँ, समाकलन में दिए हुए हैं। क्रेडिट में दिया हुआ हर खर्चे आपके पास आता है आपके प्रॉफिट ग्रुप में, तो उसको लाभ हानि खाते में लाभ तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर। यहाँ पर वेतन था 600, लेकिन वेतन में भी अदत था 200 रुपये, तो अदत हमेशा जुड़ता है, तो ये 200 जुड़ा क्योंकि ये देना है, तो कुल मिला के आपको 800 रुपये के खर्चे हैं, वो देना ही है, ठीक है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन 400 का 400 है, इंश्योरेंस आपका 600 का 600, यहाँ पर अभी कोई संयोजन नहीं है, ठीक। अब हमने प्रश्न में देखा था तलपट में डूबत ऋण था 200 रुपये का, ये हमने लिखा। अब ये 1400 कहाँ से आया, तो बच्चों 1400 आपको निकालना है देनदारों का 20%, ठीक है। देनदारों का 20%, तो जितने भी देनदार हैं उसका अगर आप 20% निकालते हैं तो पता चलेगा उसका अमाउंट कितना निकलेगा, 1400 रुपये। दोनों को अब ऐड करेंगे टोटल, ये पूरे खर्च ऐसे अलाभ हो गए जो आपको मिलना नहीं है। देनदारों से पैसा हमेशा मिलना होता है, पर जो चीज़ नहीं मिल पाए उसको आप डूबत ऋण कहते हैं, तो कुल नुकसान आपको 1600 का है, ठीक है। इसमें से जो आरक्षण होते हैं, ठीक है, आरक्षण जो बनाए जाते हैं उसको आप हमेशा इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कितना बचा, 1200 रुपये बचा, ये 1200 रुपये बस आपको लास्ट में लिखना है। तो याद रखिए, डूबत ऋण में नीचे जो देनदारों पर छूट निकाला जाता है ये दोनों जुड़ता है, लेकिन अशुद्ध ऋण आरक्षण आपको समाकलन में दिखे सी आर तरफ, तो ये फिर उनके साथ माइनस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो राशि आती है उसको लिखा जाता है। यहाँ पर फिर भवन पर ह्रास लगाया गया है 3,000 रुपये का, उसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर उसके बाद चारों को जोड़ करके इनके साथ पूरा घटाया गया है पाँचों के साथ, तो फिर ये 10,000 रुपये बचा, ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसको हम शुद्ध लाभ बोलते हैं। शुद्ध लाभ को लेकर के हम आएंगे आपके बैलेंस शीट में, ठीक है।
तो बैलेंस शीट बनाते समय आपको ध्यान देना है कि आपके पास संपत्ति क्या क्या है, दायित्व क्या है आपके पुराने प्रश्न में, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है जहाँ पर हम देखेंगे हमारे क्या क्या दायित्व है, क्या क्या संपत्ति है। तो यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए कि क्या क्या है। तो देखिए ये लिखा जाएगा चिट्ठे में, आप यहाँ सी लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा, और इसके अलावा आपका देवी पत्र है और लेनदार है और पूंजी है। इतने मेजर चीज़ हैं, मुख्य चीज़ हैं जो आपको लिखा जाता है, ठीक है। रोकड़ होता है, हाँ विनियोग होता है, ये सब चीज़ें आपको लिखना होता है। अब कुछ कुछ चीज़ों का संयोजन है, उनके हिसाब से उनको लिखा जाता है। जैसे एक ग्राहक से 1,000 रुपये का माल वापस प्राप्त हुआ किंतु उसका पुस्तकों में कोई नहीं लिखा गया, तो बेचा हुआ सामान वापस आया इसलिए विक्रय वापसी में 1,000 रुपये घटा है, ठीक है। विक्रय वापसी आपको प्रश्न में नहीं दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। विक्रय वापसी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन संयोजन में बोला था 1,000 रुपये इसलिए घटाया गया है। तो ऐसे हर एक अलग प्रश्न में अलग अलग आपको संयोजन मिलता है, इसलिए इस चैप्टर के जितने ज़्यादा प्रश्न अगर आप समझें उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आपके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे, रटेंगे नहीं। अब आते हैं हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस शीट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में सबसे पहले दायित्व से शुरुआत करो, पूंजी को लिखो, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ दो, शुद्ध लाभ को जोड़ने के बाद आहरण को हटा दो, जो बचा उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये आपके विविध लेनदार हैं जो कि हैं 6,000 रुपये के, देवी पत्र जो कि 1,800 रुपये के हैं, आदत आपको मिला, आदत का मतलब देना बाकी, जो देना बाकी वो दायित्व में जुड़ता है, तो वेतन नहीं दिया उसको लिख दो और मजदूरी के नहीं दिए उसको लिख दो, ठीक है, ये दोनों को लिख दिया। इसके बाद कैश इन हैंड में आपको जो हाथ में रोकड़ है उसको लिखा जाता है। इसके बाद विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं 3,000 रुपये, उसमें से अगर आपका पूर्वदत्त है पहले से दे दिया आप उसको इसमें जोड़ सकते हैं, तो 300 रुपये उस तरह से जुड़ेगा, संयोजन में आप देख सकते हैं। उसके बाद है विविध देनदार है 8,000 के, 8,000 के देनदार में पता चला कि एक ग्राहक जो हमारा एक ग्राहक था उसने 1,000 का माल वापस कर दिया, तो हमारे ग्राहक से अगर माल वापस आ जाता है इसका मतलब उतना पैसा और नहीं मिलना, तो जितने के आपके पास देनदार होते हैं उसमें से आप इतना घटा देंगे, तो घटाने के बाद पता चला फिर आपके पास सिर्फ 7,000 बचा। अब 7,000 में से जो आपने छूट उठ निकाल दिया उन पर 20% का वो घटा दो, तो 20% छूट घटा 1,400 रुपये, तो फिर ये कितना हुआ बच्चों, 5,600 रुपये हुआ, ठीक है। तो देनदार की राशि पर स्पष्ट रूप से जो आरक्षण या छूट निकाली जाती है उसको आप लास्ट में देनदार की राशि से काट देते हैं, जो बचा फिर आपका आंसर है, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, ये IMP है, इसको टिक लगा ले रहो और इसको ध्यान से समझना, ठीक है। BCOM के भी स्टूडेंट, कक्षा 11वीं के भी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है भवन की राशि आप 30,000 ही लिखेंगे, उस पर ह्रास लगा था 3,000 रुपये, इसको आप काट देंगे, आप लिखेंगे यहाँ 27,000 रुपये, अंतिम स्कंद 10,000 का है, तो फिर आप नीचे लिखेंगे अंतिम स्कंद 10,000 रुपये का। इस तरह से आपने सबको लिख लिया, पूरे विकलन पक्ष समाकलन पक्ष। तो दायित्व जितना होता है उतना ही संपत्ति होता है, दोनों में डिफरेंस नहीं आता, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो फिर इसको आप देखें और कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बिल्कुल पहले ही प्रश्न जैसे सेम है, यहाँ पर भी प्रारंभिक स्कंद, क्रय विक्रय, मजदूरी विक्रय, ये सब दिया हुआ है, क्रय वापसी। अब हम संयोजन पढ़ते हैं, संयोजन में क्या क्या है। तो संयोजन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे देखते हैं मेजर क्या क्या है जो आपको बताया जाए। अंतिम स्कंद आपको पता है लिखना है, मजदूरी और वेतन की अदद है, अदद जुड़ते हैं, आपको पहले बता दिया हूँ, दो बार आपने देख लिया। बैंक ऋण पर 12% वार्षिक दर से 6 माह का ब्याज लगाना है, तो बैंक ऋण आप ऊपर देखेंगे आपको ऊपर मिलेगा, उस पर हम अभी ब्याज लगाएंगे। और मशीन पर ह्रास लगाना है, देनदारों पर छूट देना है, देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए और 2% कटौती के लिए आयोजन करना है, ठीक है। आयोजन आपको यहाँ नहीं दिया है तो अब आपको करना है, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाते हैं आपका सबसे पहला खाता, व्यापार एवं लाभानि खाता। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है प्रारंभिक स्कंद, जिसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। नीचे आपको क्रय लिखना होता है, क्रय में आप क्या घटाते हैं, क्रय में आप अपना वापसी घटा देते हैं, ये घट गया 36,000 रुपये का आया क्रय। मजदूरी है 300 का, जिसपे आदत है 200 रुपये, उसको जोड़ दो तो 500 रुपये की मजदूरी हो गई, ठीक है। इसमें आंतरिक गाड़ी भाड़ा एक प्रश्न दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाड़ी भाड़ा दो तरह के होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। तो जब आपको आंतरिक मिले तो ये व्यापार में लिखा जाएगा, जब आपको निर्गत या बाह्य दिखे आउटवार्ड, ठीक है, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, वाहक व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आंतरिक ट्रेड का होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो
ओपनिंग स्टॉक क्लियर है, परचेस क्लियर है, मजदूरी क्लियर है, आंतरिक गाड़ी भाड़ा ये भी पता चल गया, इधर विक्रय लिख दिए, वापसी घटा दिए, अंतिम स्कंध लिख दिए, इनको जोड़ने के बाद इनके साथ ये घट जाएगा, ये आपका जो बचा है सकल लाभ है 4500 रुपये। ठीक है, इस चीज को अगले साल यहाँ लिखेंगे शेष लाया गया लाभ हानि खाते में। तो देखते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लाभ हानि खाता है और सबसे पहले सकल लाभ को ही लिखा गया है। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो ये आपका नेट लॉस है जो आपको भी पता चलेगा। यहाँ पर बाह्य गाड़ी भाड़ा निर्यात वाला जो है वो लिखा गया है, सैलरी लिखी गई है, सैलरी में उसका जो आउटस्टैंडिंग था 800 रुपये जोड़ के 1000 रुपये लिखा गया टोटल। ठीक है, अब ये जो सैलरी नीचे है ये गलती से प्रिंट मिस्टेक है, ये ऊपर रहेगा। ठीक है, मशीन रहेगा वहाँ पर, तो मशीन की मशीन पर ह्रास हुआ है, ह्रास से हानि होती है, तो मशीन को नहीं लिखना पर मशीन के ह्रास को लिखना है जो कि 5250 है। ठीक है, चैरिटी मतलब दान होता है, दान पूरा नुकसान है, आप इसको विकलन में लिखेंगे। इसी तरह से लॉस ऑन सेल फर्नीचर, फर्नीचर के विक्रय पर हानि हुए आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, आप ये समझन में भी देख सकते हैं, मान लीजिए तलपट में 1000 का फर्नीचर दिया है, नीचे बोला है फर्नीचर को 800 रुपये में बेचा, तो आपको पता चलना चाहिए 200 रुपये का हानि हुआ, तो ये सब देख करके भी निकाला जाता है हानि। तो संयोजन बेस होता है इन दोनों को बनाने का, व्यापार एवं लाभ हानि खाते को, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको पढ़ करके ही आप इनको बनाते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, वो आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं, उसके बाद है आपका डूबत ऋण, फिर आपका ये आरक्षण जो आपने उसका बनाया। ठीक है, दोनों ही नुकसान है, और इसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ऋण पर ब्याज, तो 12% निकालना था, 6 माइनस 6/12 करना था, एक ऐसा कार्यविधि हम एक बार कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए आसानी होगा, नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हमारे चिट्ठे में, तो चिट्ठे का आंसर देखते हैं। चिट्ठा में फिर से पूंजी से शुरुआत करेंगे, पूंजी में शुद्ध हानि हुआ है, ऊपर में आपने देखा कि सिर्फ विकलन पक्ष में है, समाकलन में लिखने के लिए एक ही अमाउंट था जो कि काफ़ी कम था, ये हम देख सकते हैं, सिर्फ 4500 रुपये लिखना था और ये ज़्यादा हो रहे हैं 11166 रुपये विकलन पक्ष में, तो उन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें से इसको घटाने के बाद ये जो बचा है आपका लॉस है, इसलिए आप सबसे पहले पूंजी में क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं। अब शुद्ध लाभ कुछ है ही नहीं, तो आप सीधा हानि को जोड़ेंगे, घटाएंगे। ठीक है, लाभ जुड़ता है और हानि घटता है, तो इस हानि को हमने इसमें से माइनस कर दिया, ये जो बचा ये आपकी फिर शुद्ध पूंजी होगी, क्योंकि आहरण तो कुछ है नहीं, तो क्या घटेगा, तो फिर यही पूंजी के रूप में लिखा जाएगा। लेनदार 13000 के और लोन था 3000 का, लोन पर इंटरेस्ट निकला 180 रुपये, उसको जोड़ने के बाद अब टोटल हो गया आपका 3180 रुपये। मजदूरी आपके 200 रुपये के हैं और आउटस्टैंडिंग, सॉरी मजदूरी 200 के नहीं, मजदूरी पर अदद 200 रुपये का है और वेतन पर अदद 800 रुपये का है, तो ये अदद आपका दायित्व होता है, आप उसको इधर लिखेंगे। यहाँ पर मशीन की राशि, मशीन पर ह्रास घटाने के बाद जो आया उसको लिखेंगे। यहाँ पर देनदार, देनदार में जो डूबत ऋण था वो घटेगा और आरक्षण भी घटेगा, क्योंकि इसको आपने निकाला, पहले से नहीं दिया था। अच्छा एक मिनट, आरक्षण तो इसमें जुड़ता है। ठीक है, आरक्षण जुड़ता है, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था आरक्षण जुड़ता है, आपको बताया था। डूबत ऋण घटेगा, आरक्षण या आयोजन जुड़ता है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। वो लाभ हानि में हानि है, लेकिन यहाँ पर आप इसको जोड़ करके लिखेंगे, तो जोड़ने के बाद आपका हो गया 23814 रुपये। ठीक है बच्चों, याद रखना ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज करती हैं प्रश्न बनाते समय आपको। यहाँ पर कैश के रूप में 500 रुपये दिया गया है, अंतिम स्कंद 6500 रुपये। ठीक है, लगभग 3 प्रश्न हो गया, देखते अभी भी अगर किसी को डाउट है तो अब छठवां प्रश्न देख लो, डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाला का चिट्ठा दिया गया है, जहाँ पर क्रय है व्यापार में लिखने के लिए, प्रारंभिक स्कंद है व्यापार में लिखने के लिए, विक्रय वापसी है लिखने के लिए, विक्रय है चौथा, इसके अलावा मजदूरी होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं जो लिखे जाएंगी, पाँचवा होता है आपका अंतिम स्कंद जो कि नीचे दिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा आपका खाता देखते हैं। क्रय पर भाड़ा दिया है 240 रुपये। ठीक है, मजदूरी दी है 1000 रुपये। संयोजन में बोला है कि अंतिम स्कंद 4500 के हैं, वेतन 160 रुपये, मजदूरी के 1000 रुपये देना बाकी है, है ना, आउटस्टैंडिंग है, मतलब पूर्वदत्त, पूर्वदत्त हमेशा जुड़ता है जिस भी खर्चे उनके साथ में, और अच्छा पूर्वदत्त अगर हमने किसी को पहले से दे दिया तो वो तो हमारी संपत्ति है, और अगर हमें किसी ने पूर्वदत्त दिया तो वो हमारा दायित्व हो जाता है। ठीक है, तो दो उसके रीज़न होते हैं, समझिएगा।
कमीशन के 60 रुपये मिलने शेष हैं, तो मिलने वाला जो चीज़ है वो आपको प्रॉफिट है, प्लस चीज़ है, आप उसको जोड़ेंगे। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण का आयोजन करना है, मतलब वही पूरा नुकसान है, डूबत ऋण मूल्य पर भवन पर ह्रास लगाना है, ठीक है। तो सारे संयोजन को ध्यान में रखते हुए हम अपना खाता स्टार्ट करते हैं, व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2001 के लिए। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, नीचे क्रय लिखते हैं, वापसी घटता है, वापसी नहीं होगा तो कुछ नहीं घटेगा, ठीक है। गाड़ी भाड़ा आपको दिया था 240 रुपये और 1000 रुपये के आपके आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से आपने 1000 की मजदूरी थी उसमें से आउटस्टैंडिंग को आपने जोड़ा तो आपको हुआ 1140 रुपये। यहाँ पर हमने विक्रय को लिखा, विक्रय में वापसी घटाया 24700 रुपये लिखे, अंतिम स्कंद 4500 एज इट इज जैसा दिया है, दोनों को जोड़ेंगे ये होगा 29200 रुपये। 29200 में हमने क्या किया, इन चारों को जोड़ करके घटाया तो फिर ये 7160 रुपये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप सकल लाभ बोलते हैं। सकल लाभ को आप इधर लिख करके शुरुआत करते हैं लाभ हानि खाते का। तो अब हम समझते हैं लाभ हानि खाते को अच्छे से। तो लाभ हानि खाते में हमने सकल लाभ को लिखने के बाद प्राप्त कमीशन को लिखा, जो कि समाकलन में दिया होता है, और 60 रुपये मिलने से ऐसे जो पैसे मिलने वो अपना लाभ है भाई, लाभ है, आप इसको इधर लिखेंगे प्लस करेंगे तो कुल मिलाकर ये हो गया 7360 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर है वेतन, जिस पर अदत था उसको जोड़ेंगे। यहाँ पर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का प्रीपेड है, पूर्वदत्त घटा देंगे क्योंकि हमने पहले से दे दिया, पहले से दे दिया मतलब दोबारा नहीं देना, और जो आपने एडवांस में किसी को खर्चा दे दिया तो उतने से आपका रोकड़ कम होता है, इसलिए पूर्वदत्त को हमेशा आप घटा देंगे, ठीक है। ये घट गया 455 हो गया। सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं 600 रुपये का, बट्टा इस पर 300 रुपये का है, भवन पर ह्रास हुआ है 424 रुपये का, और आयोजन और डूबत ऋण जो है वो आपका 215 रुपये निकला। देनदारों से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज से, अब इनके साथ इनको घटाएंगे तो फिर आपका बचा 3606 रुपये, ये आपका शुद्ध लाभ है, ठीक है। अब आप फिर से संपत्ति और चिट्ठे में आते हैं, स्थिति विवरण या चिट्ठा जिसको कहा जाता है, अब हम उसमें आते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं हम हमेशा कैपिटल से शुरुआत करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो कैपिटल आपका 16000 है, इसमें से शुद्ध लाभ हुआ है, आप उसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका 19606 हो गया, इसमें से आहरण 600 रुपये है उसको घटा देंगे तो ये फिर आपका शुद्ध पूंजी में हो गया। तो आप पूंजी को बार बार देख रहे हैं, पूंजी के अमाउंट में शुद्ध लाभ जुड़ रहा है, आहरण घट रहा है, एक दो चीज़ और मेंशन होती है अगर है तो, नहीं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पूंजी का अमाउंट लिखा जाता है। लेनदार आपको लिखना है, देवी पत्र लिखना है, उसके बाद हमेशा अदत की जो राशि होती है उसको भूलिएगा नहीं, ये संयोजन में होता है, इनको भी लिखना होता है, ठीक है। पूर्वदत्त आपकी संपत्ति होती है, आपने पहले से दिया, आपका तो दायित्व नहीं है, लेकिन दिया तो रोकड़ कम, लेकिन वो पैसा आपको आपकी संपत्ति जो आपने किसी को पहले से दे दिया तो उसको आपको लिखना होता है, और जो मिलना है उसको भी लिखेंगे। तो मिलना 60 रुपये था, देखिए इसको भी लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस इसको भी लिखा है, क्योंकि पहले से दिया हुआ पैसा आपकी संपत्ति है, आपको लिखना है, ठीक है। अंतिम स्कंद तो लिखते ही हैं, प्राप्त विपत्र भी लिखा गया है, भवन की राशि से उसका ह्रास घटा देंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे, देनदारों में से छूट घटा देंगे, जो बचता है उसको लिखते हैं, ये कैश इन हैंड। तो इस तरह से हमने 3 प्रश्न देखा, 3 से 4 प्रश्न, और इसको अच्छे से समझा। अगर अभी भी आपके पास कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक को लेकर के तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, इतने सारे प्रश्न देखने और समझने के बाद अगर आप खुद से बनाने का प्रयास नहीं करते हैं तो फिर आपका समझना कोई काम का नहीं होगा। तो एक बार कोशिश कीजिए, और जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। पर्सनल मुझसे क्लास चाहते हैं तो आप चार्टेडी में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अभी HDM Academy पूछेंगे आपको पता चल जाएगा। और अगर आप WhatsApp के थ्रू अपने डाउट भेजना चाहते हैं तो 6261618289 ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन चाहिए तो आप उस पर भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब अगले टॉपिक में हम आपके बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये था 11वीं का। तो जो बच्चे 11वीं और फर्स्ट ईयर के हैं दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए थोड़ा मोड़ा अंक परिवर्तन होगा, संयोजन परिवर्तन होगा, लेकिन वही काम 11वीं में भी है, वही काम BCom फर्स्ट ईयर में भी है। तो अगर एक का समझ लेते हो तो दूसरा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 11वीं वालों के लिए अच्छा है, आगे जाकर के आप कॉलेज का भी सॉल्व कर सकते हैं, और BCom वालों के लिए अच्छा है वो 11वीं का वीडियो देख करके अपना खुद का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे समझ के बना सकते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको एक्चुअल में नहीं बन पाता उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। आने वाले पार्ट में मैं आपको पूरा सोल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ आपके ही चैप्टर अंतिम खाते बनाने का,
सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो उसको देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने कॉलेज में सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका साथ और सबका विकास, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।